प्राथमिकी के आधार पर सरकार कोई भी कार्रवाई करेगी, लेकिन इतनी बात तय है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेकर जो राजद के नेताओं और लालू जी के कुनबे के अंदर जो अपमानजनक जो भाव है वो कई अवसरों पर दिखा है। इसके पहले भी दोनों भाइयों के सुरक्षाकर्मियों ने अलग अलग अवसरों पर मीडिया कर्मियों के साथ हाथापाई की, लेकिन कल की घटना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है कि एक पत्रकार के पैर पर गाड़ी का पहिया तेज प्रताप जी का चढ़ गया और उसके बाद वो गाड़ी तक को पीछे लेने के लिए तैयार नहीं थे और उसके बाद पत्रकार के साथ मारपीट की गई। मुझे लगता है ये अमानवीय भी है और जरा भी अगर नैतिकता बची है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बिहार का घूम घूम कर चुनावी सभा कर रहे थे, वोट देने की अपील कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के हराने की बात कर रहे थे, वो खुद कल वोट नहीं देते, तो क्या इससे समझ सकते हैं कि लोकतंत्र पर कितना विश्वास है? हम लोग जब बोलते थे कि वो बिल्कुल ही खोखले इंसान हैं, राजनीति में अप्रेंटिसशिप नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने किया, उनकी अगुवाई में रह करके अगर कुछ भी अच्छे गुण सीखे होते तो शायद किताबी ज्ञान जो बांट रहे थे पूरे बिहार में संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लेकिन मतदान करने का जो प्रारंभिक दायित्व तो एक नागरिक का है वो भी उनको याद नहीं रहा। और ये पूरी तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उन्होंने अपमान किया है। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।